हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी स्टोरी द डाइन का सेकंड पार्ट लेकर। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इससे हमें काफ़ी सहायता मिलेगी और हम आपके लिए और भी अच्छी क्वालिटी की स्टोरीज़ लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। जब शिकारी मचान पर बैठता है तो करीब ही अथखाई इंसानी लाश या जिंदा बछड़ा बांधा जाता है। इसके बगैर शेर मचान के पास नहीं आता है। लेकिन हमारा मामला दूसरा था। हमने मचान ही एक ऐसी जगह पर बनाया था जो हमारे ख्याल में शेरनी के आने जाने का रास्ता थी, इसीलिए इसे फांसने के लिए किसी जिंदा या मुर्दा जानवर की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमें उन उल्टे पैरों के निशान की हकीकत जानने की भी फिक्र थी, और मैं उसके बारे में जानने को बहुत ज़्यादा बेताब था। मेरा जहन अपने ख्यालों में उलझा हुआ था कि राजू ने हमें हल्का सा धक्का दिया, और इसी वक्त जंगल के दक्षिणी हिस्से से एक मादा चीतल की आवाज़ गूंजती सुनाई दी। मैंने चौकन्ना होकर पहलू बदला और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। रात काजल की तरह काली और डरावनी थी। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि करीब खड़े हुए पेड़ भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आसमान पर चांद और सितारे ज़रूर चमक रहे थे, मगर घने जंगल की वजह से इनकी हल्की रोशनी किसी काम की नहीं थी। एकदम से मुझे लगा जैसे कोई चीज़ कुछ फासले पर मौजूद है और हालात का जायज़ा ले रही है। रात के अंधेरे में आदमखोर दरिंदे की देखने और सुनने की ताकत इतनी तेज़ हो जाती है कि जिसे समझ पाना मुश्किल है। इसी कुदरती हथियारों के दम पर वो लंबे वक्त तक शिकारियों से बचा रहता है। मगर मेरे सिक्स सेंस ने बताया कि इस वक्त जो कोई भी आसपास मौजूद है वो कम से कम शेरनी नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता था कि टाइगर की मौजूदगी में माहौल में किस तरह के बदलाव जन्म लेते हैं। शायद राजू ने भी ये बात महसूस कर ली थी। इसी लम्हे तेज़ बदबू का झोंका मेरी नाक से टकराया। मैंने तेज़ी से अपनी नज़रें उस तरफ घुमाई जिधर से बदबू आई थी। उधर झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी जो वहाँ किसी के होने का पता दे रही थी, मगर कोई जानवर जैसे गीदड़ भी झाड़ू को हिला सकता था। इसीलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। तभी एक काला साया झाड़ियों से निकला और घर घर की आवाज़ निकालते हुए हमारे ठीक सामने से पेड़ों की आड़ में चला गया। मैंने फौरन टॉर्च जला दी, मगर वहाँ तो जैसे कुछ था ही नहीं। इसे नज़र का धोखा भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कोई मेरी आंखों के सामने पेड़ों के पीछे गया था। राजू ने भी इसे देख लिया था। साहब, ये क्या था? इसकी सरसराती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और टॉर्च की रोशनी उसी पेड़ पर डाले रखी। इस दौरान मेरा दिल कई तरह के डरावने ख्याल की चपेट में था। मेरी शिकारी ज़िंदगी में कुछ दफ़ा ही ऐसा हुआ था कि कोई भूला भटका इंसान ठीक उसी समय जंगल में आ टपका जब मैं मचान पर बैठा शेर का इंतज़ार कर रहा था। तब मैंने बड़ी मुश्किल से ना सिर्फ आदमखोर को मारा बल्कि उस आदमी की जान भी बचा ली। मुझे लग रहा था कि मैं फिर वैसे ही कठिन हालात का सामना कर रहा हूँ। इस वक्त जंगल का चप्पा चप्पा गहरे सन्नाटे में खो गया था। मैंने राइफल मजबूती से पकड़ ली। इसका कुंदा मेरी रान पर टिका हुआ था। मैं बड़ी एहतियात से धीरे धीरे इसे कंधे तक लाने में कामयाब हुआ। करीब 10 मिनट यूं ही गुजर गए। रात का बड़ा हिस्सा बीत चुका था और सर्दी अपने उरूज पर थी। तभी मेरे दाहिनी तरफ से हल्की सी आवाज़ आई, और अब मैंने इस पर अपने कान लगा दिए। ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर सूखे पत्तों पर दबे पांव चल रहा है। अब मैं इसे अच्छी तरह पहचान सकता था। आवाज़ सूखे पत्तों पर भारी शरीर वाले जानवर के चलने से पैदा हो रही थी। रात के इस वक्त आदमखोर शेरनी के अलावा और कौन हो सकता था? पशु पक्षी और मेंढक सभी दरिंदे की मौजूदगी से बाखबर थे, इसीलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद मचान के ठीक सामने से पत्तों के चर चर की आवाज़ सुनाई दी, और फिर लंबी लंबी घास में से बाघिन का बड़ा सा सर बाहर निकला।
इसके आग के गोलों की तरह चमकती दिखती हुई आँखें मंदिर की टूटी हुई दीवार पर टिकी हुई थी, जहाँ से वो मंदिर में घुसा करती थी। मैंने सांस रोक ली। मैं उस वक्त तक गोली चलाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था जब तक कि बाघिन पूरी तरह मेरे सामने नहीं आ जाती। कुछ देर रुकने के बाद बाघिन दो छलांगों में मंदिर के अहाते में दाखिल हो गई। अहाते के इस हिस्से में पेड़ों से छन कर आने वाली चांदनी ने कुछ रोशनी कर रखी थी। मैं हल्की रोशनी में ये देखकर कांप उठा कि शेरनी ने एक इंसानी लाश अपने जबड़ों में दबा रखी है। देखते ही देखते शेरनी ने लाश ज़मीन पर रखी और शरफ शरफ की आवाज़ों के साथ इसका खून चाटने लगी। शेर शिकार को मारने के बाद इसका मांस खाने से पहले भूख बढ़ाने के लिए शिकार का खून चाटते हैं। इस वक्त जिस तरह के एहसासात ने हमें घेर लिया था, इन्हें शब्दों में बयान करना कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लाश भंबोड़ते समय आदमखोर की पीठ मेरी तरफ हो गई। मैंने सांस रोक कर इसकी गर्दन का निशाना ले लिया। बदकिस्मती से जब मैंने एकदम से फायर किया तो मेरी उंगली फिसल गई और दोनों ट्रिगर एक साथ दब गए। इस तरह मेरी राइफल की दोनों बैरल एक साथ फायर हो गईं। 450 एक्सप्रेस राइफल के ज़बरदस्त धक्के से वही लोग वाकिफ हैं जो भारी राइफलें इस्तेमाल करते हैं। दोनों कारतूस एक साथ चलने की वजह से मेरे कंधे पर ऐसा ज़बरदस्त धक्का लगा कि राइफल मेरे हाथ से निकल गई और मैं खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए धड़ाम से चारों खाने चीज ज़मीन पर जा गिरा। धमाके की आवाज़ के साथ ही शेरनी के हलक से ऐसी ज़बरदस्त दहाड़ निकली कि मेरा दिल कांप गया। होश ठीक हुए तो सामने नज़र आने वाले मंजर ने मेरे जिस्म में सनसनी फैला दी। राइफल मेरी पहुंच से दूर पड़ी थी और मैं 3 गज के फासले पर खड़ी शेरनी को बेबस और खौफ के मिले जुले भाव के साथ देख रहा था। अंदाज़ा लगाइए कि गैज़ व गज़ब की तस्वीर बनी आदमखोर सिर्फ 3 गज के फासले पर थी और मैं खाली हाथ ज़मीन पर चित लेटा हुआ था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, मगर भला हो राजू का, इसने इन संगीन हालात में भी अपने डर पर काबू रखा और एक के बाद एक 2 फायर शेरनी की तरफ झोंक दिए। मेरे फायर तो बेकार गए ही थे, मगर राजू की गोलियां भी शेरनी का कुछ ना बिगाड़ सकीं। अब तो हमें अपनी मौत का पक्का यकीन हो गया था। इस बीच शेरनी चौकन्ने अंदाज में मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने खिसक कर अपनी पीठ पेड़ के तने से लगा ली। उधर राजू भी अपनी राइफल दोबारा भर चुका था। इसने गोली चलाई तो अचानक पेड़ के पीछे से निकल कर एक काला साया इसके और शेरनी के बीच आ गया। राजू की चलाई हुई दोनों गोलियां शेरनी को लगने के बजाय उस काले साये के शरीर को चीरती हुई आर पार हो गईं। इसी वक्त शेरनी एक ही छलांग में हाथे की दीवार पार करके घने जंगल में खो गई। मेरे होश आवाज़ जो पहले ही आदमखोर से अचानक आमना सामना होने पर गुम हो गए थे, इस अजीबोगरीब मंजर को सहन ना कर सके और धीरे धीरे मेरी आँखें बंद होती चली गईं। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। बस इतना ही याद रहा है कि मेरा जहन अथाह गहराइयों में डूबता जा रहा था। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे पड़ते ही मैं बेहोशी से बाहर आया। राजू ने मेरा सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वही मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। कुछ ही दूर मैले कुचैले चीथड़ों में किसी इंसान की लाश पड़ी थी। इससे इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि मुझे उबकाई आती महसूस हुई। थोड़ा पानी पीने के बाद मैं कुछ ठीक हुआ तो मैंने राजू के साथ इस लाश का मुआयना किया। वो एक कोढ़ी की लाश थी। वो बदनसीब आदमी कोढ़ जैसी भयानक बीमारी की चपेट में था और इस बीमारी की आखिरी स्टेज से गुजर रहा था कि राजू की चलाई हुई गोलियों का निशाना बन गया। शायद वो ये समझा कि राजू उसे गोली मार रहा है। उस ज़माने में अल्मोड़ा, कुमायूं और दूसरे इलाकों में कोढ़ का मर्ज फैला हुआ था। अस्पतालों की अच्छी सुविधा ना होने और जहालत की वजह से लोग मरीज़ का इलाज नहीं कराते थे, इसीलिए बीमारी बढ़ती रहती थी। कोढ़ी को आम तौर पर इसके रिश्तेदार भी कबूल नहीं करते थे और बेचारा जंगलों और सुनसान जगहों पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारने पर मजबूर हो जाता था। हमारे सामने ऐसे ही किसी कोढ़ी की लाश पड़ी थी। अजीब बात यह थी कि लगता था कि पोलियो की वजह से उसका दायां पांव उल्टी तरफ मुड़ा हुआ था।
मुझे फौरन पता चल गया कि उल्टे पैरों के निशान इसी बदनसीब इंसान के थे और वही रातों को तकलीफ़ की वजह से चीखता रहता था। सीधे साधे गांव वाले इसे चुड़ैल समझकर डर गए थे। बहुत बदबूदार मांस की वजह से इस चलती फिरती लाश से दूसरे जानवर तो क्या, शेर भी उसके पास नहीं फटकता था। मेरे हाथ से जुल्म हो गया साहब, राजू की दर्द में डूबी हुई आवाज़ मेरे कान से टकराई। मैंने इसकी तरफ देखा तो सुबह के हल्के उजाले में राजू की आंखों से बहती हुई आंसुओं की लड़ियां साफ दिखाई दी। अरे बेवकूफ़, तूने तो इस बदनसीब पर एहसान किया है, मैंने इसका कंधा झंझोड़ते हुए कहा। सिसक सिसक कर जीने से अंधी मौत हज़ार गुना बेहतर है। हो सकता है वो भी मरना चाहता था, वरना ऐसे वक्त में कभी यहाँ ना आता। दिन के उजाले में मंदिर का जायज़ा लेने पर मालूम हुआ कि हमारी चलाई गई गोलियों में से एक ने बाघिन को ज़ख्मी कर दिया था, क्योंकि खून के निशान जंगल में काफ़ी दूर तक चले गए थे। शेर के शिकार का सबसे ख़तरनाक हिस्सा है इसका पीछा करके उसे मारना है। मचान पर से तो किसी भी जानवर का शिकार आसानी से किया जा सकता है, मगर आमने सामने के मुकाबले में शिकारी की अपनी जान जाने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने फौरन शेरनी का पीछा करना ठीक नहीं समझा और गांव वापस आ गए। नंबरदार हमारी दास्तान सुनकर हैरान और परेशान हो गया। हमारे लाख समझाने के बाद भी वो यही समझता रहा कि जंगल अब भी चुड़ैल के चंगुल में ही है, लेकिन जब इसने दूसरे लोगों के साथ जाकर कोढ़ी की लाश देखी तो इन सब का खौफ दूर हो गया और इन्हें यकीन हो गया कि देहात के रहने वालों को एक शेरनी मार रही थी। हमारे पूछने पर इसने बताया कि उस घोड़े के मालिक का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। दो घंटे आराम करने के बाद हमने थाने से शेर के शिकार में इस्तेमाल होने वाले सदाए हुए घोड़े मंगवाए और आदमखोर की तलाश में निकल पड़े। आपको याद रहे कि जो जो आदमखोर का तजुर्बा बढ़ता जाता है, इसकी चालाकी भी बढ़ती जाती है और ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। इसके देखने समझने की ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दूर से ही शिकारी की गंध पा लेता है और फिर उस तरफ नहीं फटकता है। ऐसे में अगर वो शिकारी के हाथों ज़ख्मी भी हो जाए तो हालात और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ख्मी आदमखोर को ढूंढ कर मारना भी बहुत दिल गुर्दे का काम है। आम तौर पर शिकारी शेर की तलाश करने के लिए हाका लगवाते हैं, क्योंकि पहले दो बार हाके के दौरान मुझे काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था तो मैंने तय कर लिया था कि आगे हाके का कभी सहारा नहीं लूँगा। हमने ज़ख्मी शेरनी को तलाश करने की शुरुआत उस मंदिर से की। काफ़ी दूर तक उस बाघिन के खून के निशान हमें रास्ता दिखा रहे थे। फलदार कस्बे का वो इलाका कुदरती तौर पर काफ़ी हरा भरा और ख़ूबसूरत था। छोटे छोटे पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए थे। इनमें चीतल, सांभर और दूसरे पशु पक्षी काफ़ी तादाद में इधर उधर घूम रहे थे। कहीं कहीं टाइगर और लेपर्ड भी देखने को मिले, लेकिन इनमें कोई वो नहीं था जिसकी हमें तलाश थी। फिर जंगल से निकल कर हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां ऊंचे नीचे टीलों की भरमार थी। वहीं एक जगह कच्ची मिट्टी पर आदमखोर के पगमार्क हमें साफ साफ दिखाई दिए। इसका मतलब था कि पिछली रात शेरनी ने 10 मील का लंबा रास्ता तय किया था, जिससे पता चलता था कि वो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है। अगर निशाना सही लगा होता तो वो कभी इतनी दूरी तय ना कर पाती। एक टीले पर चढ़कर हमने घोड़े रोक लिए। दोपहर की चमकती धूप में हमारे सामने 10-15 कच्चे मकानों की बस्ती आ गई थी। बाघिन के पंजों के निशान इसी बस्ती की तरफ जा रहे थे। इस बस्ती के पास पेड़ पौधों से लदी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं, जिनके पीछे फिर घने जंगल शुरू हो रहे थे। अभी जिसकी हमें तलाश थी वो आदमखोर मिला ना था, इसलिए कतार बनाकर हम आगे बढ़ते रहे। बस्ती पहुंचने पर हमें वहां मौत का सन्नाटा पसरा मिला। हम घोड़ों को धीरे धीरे चलाते हुए बस्ती में ले गए। वहां मकान टूटे फूटे पत्थरों और गारे से बनाए गए थे, जिनकी छतें घास फूस और लकड़ी से बनी हुई थीं। मकानों के सामने दूर तक फैला हुआ बड़ा सा मैदान था, जिसमें कहीं कहीं खेत नजर आए, लेकिन अब वो बंजर हो चुके थे। हमने एक दो घरों के अंदर झांका, मगर टूटे फूटे घड़ों और पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नज़र ना आया। ऐसा लगता था कि वहाँ रहने वाले लोग किसी मुसीबत से सामना होने के बाद बहुत खौफ और परेशानी के आलम में बस्ती खाली करके चले गए हैं। आदमखोर के इलाके में किसी बस्ती का ऐसा हाल होना आम बात थी।
हम पहले भी ऐसी कई बस्तियां देख चुके थे, इसलिए ज़्यादा हैरानी मुझे नहीं हुई। मुझे यकीन था कि इस बस्ती के बदनसीब लोग आदमखोर से कम और भूत प्रेत चुड़ैल से ज़्यादा खौफ में होंगे। घरों के बीच के रास्ते पर जहाँ कहीं नर्म मिट्टी थी, वहाँ हमें बाघिन के पंजों के निशान साफ साफ दिखाई दिए। वो घास के मैदान तक जा रहे थे। अभी हम निशानों का पीछा करने की सोच ही रहे थे कि जंगल से शेर की आसमान चीर देने वाली गरज गूंजी। इसके बाद एक के बाद एक राइफल के दो धमाके सुनाई दिए। अगले लम्हे ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं और राजू बौछक्के खड़े एक दूसरे का मुंह तकने लगे। दोनों धमाकों की पहचान करने में मुझे मुश्किल से एक पल लगा। 375 मैग्नम नामी राइफल इस ज़माने में या तो पेशेवर शिकारियों के पास होती थी या फिर डाकुओं और जागीरदारों के पास। वो एक ख़ास किस्म की राइफल थी और किसी आम आदमी के पास इसका होना मुश्किल था। अभी हम इन धमाकों और शेर की गूंज के बारे में सोच ही रहे थे कि घास के मैदान से वही आदमखोर निकलती दिखाई दी जिसकी तलाश में हम सुबह से मारे मारे फिर रहे थे। मैंने फौरन राइफल कंधे से लगा ली और इसकी दूरबीन से देखा कि शेरनी की गर्दन से खून की धारा बह रही है। इसमें मुझे शक नहीं था कि यह जख्म ताज़ा था। वो यूं अधाधुन बस्ती की तरफ भागी चली आ रही थी जैसे इसके पीछे कोई बला पड़ गई हो। शायद इसने अभी हमें नहीं देखा था। मैंने फौरन राजू को इशारा किया और हम दोनों एक मकान की आड़ में इस तरह बैठ गए कि हम तो शेरनी को देख सकते थे मगर हमारा उसकी नज़रों में आना मुश्किल था। जख्मी होने के बाद भी शेरनी इस तेज़ी से भाग रही थी कि उस पर नज़र नहीं ठहर रही थी। जल्दी ही वो मैदान से निकल कर खेतों में दाखिल हो गई। फिर जैसे ही वो खेतों से बाहर निकली, मैंने इसे अपनी राइफल के निशाने की जद पर ले लिया। कुछ कदम दौड़ने के बाद शेरनी ने छलांग लगाई। साथ ही इसके हलक से ऐसी ज़बरदस्त दहाड़ निकली कि पूरा इलाका कांप गया। मैंने राइफल पर पकड़ मजबूत की और शेरनी के सर से कुछ इंच आगे निशाना लेकर ट्रैगर दबा दिया। 450 एक्सप्रेस के धमाके से माहौल गूंज उठा और साथ ही हमें शेरनी का डायरेक्शन बदलता हुआ नज़र आया। दूसरे ही लम्हे वो ज़मीन पर गिरकर लौटने लगी। इसके हलक से ऐसी दहशतनाक आवाज़ें निकली कि करीब उड़ते हुए परिंदे खौफ ज़दा होकर दूर निकल गए। इसी दौरान राजू ने भी गोली दाग दी थी। कुछ देर बाद अपनी राइफलें शेरनी के मचलते हुए शरीर की तरफ किए हुए घर की आड़ से हम बाहर निकल आए। एक गोली शेर के कंधे को चकनाचूर कर गई थी जबकि दूसरी गोली ने रीढ़ की हड्डी को भारी नुकसान पहुंचाया था। ये दोनों जख्म इतने बड़े थे कि शेरनी का दोबारा खड़े होना मुमकिन ना था। वो गर्द गुबार उड़ाती बिन पानी की मछली की तरह ज़मीन पर तड़प रही थी। मैंने राइफल फिर लोड की और करीब जाकर इस पर खाली कर दी। कुछ मिनट बाद वो शांत हो गई। आखिरकार आदमखोर मर चुकी थी मगर हमें यकीन ना आया, इसलिए देर तक इसके करीब जाने की हम हिम्मत ना कर सके। 10-12 मिनट ये देखने के बाद कि शेरनी में ज़िंदगी की कोई निशानी बाकी नहीं है, हम धीरे धीरे इसके पास गए। शेरनी के दांत और पंजे हमें घिसे हुए दिखे। उसकी खाल बदरंग हो चुकी थी और सूखी हुई थी। गौर से जायज़ा लेने के बाद हमें मालूम हो गया कि शेरनी बुढ़ापे की वजह से आदमखोर बनी थी। अभी हम शेरनी का जायज़ा लेकर उठे ही थे कि जंगल की तरफ से घोड़े की टापों की आवाज़ें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा जंगल से निकलकर हमारी तरफ बढ़ता नज़र आया। दूर से देखने पर लगता था जैसे घोड़े की पीठ पर कोई बोरी लदी हुई है। ज्यों ज्यों घोड़ा करीब आया, सारा माजरा हमारी समझ में आ गया। घोड़े पर कोई आदमी ढुलका पड़ा था। सवार की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके पूरे कपड़े खून से तरबतर थे। कंधे और पीठ पर गहरी खराशें पड़ी हुई थी जिनसे खून बह रहा था। ज़ख्मी होने के बाद भी सवार के होश हवास अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे और इसके दोनों हाथ घोड़े की गर्दन में इसने डालकर खुद को घोड़े से गिरने से बचाया हुआ था। घोड़े के पीछे भी गहरी खराशें नज़र आ रही थीं। हमने सवार को संभाला और इसे गांव ले आए। राजू हर तरह के ज़ख्म की देखभाल अच्छी तरह कर लेता था। गांव पहुंचते ही इसने सवार के ज़ख्म साफ करने के बाद इस पर मरहम पट्टी कर दी। मुझे पता था कि सवार की यह हालत आदमखोर के साथ मुठभेड़ का नतीजा थी। पूरे इलाके में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि आदमखोर मारी गई है।
लोग दूर 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 से इसे देखने आने लगे। फलदार के लोग तो इतना खुश हुए कि इन्होंने हमारे लिए एक जश्न का इंतज़ाम कर डाला। कुछ दिन बाद उस जख्मी आदमी के जख्म भरने लगे और बातचीत करने के काबिल हो गया। एक दिन राजू के साथ जाकर मैंने इसकी तबीयत का हालचाल पूछा, साथ ही मैं ये भी जानना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ जा रहा था। हमें जंगल से इसकी 375 मैग्नम राइफल मिल गई थी, जो शायद तब इसके हाथों से छूटकर गिर पड़ी थी जब शेरनी ने इस पर हमला किया था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो राइफल जागीरदारों, डाकुओं और शिकारियों के पास ही हुआ करती थी, इसीलिए मैं उस आदमी की हकीकत जानने के लिए बेचैन था। बहुत पूछने के बाद वो आदमी हमें अपनी आपबीती सुनाने के लिए राज़ी हो गया, लेकिन इसने मेरे बारे में जानने के बाद मुझसे एक वादा लिया कि इसकी बातें जानने के बाद मैं इसे आगे जाने से नहीं रोकूंगा। मैंने उससे वादा किया। इसके बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगा और सुनाते सुनाते लगता था वो कहीं खो जाता था। मैं इसे अपने शब्दों में सुनाता हूँ। वो फलदार कस्बे से 20 मील दूर पर बसी जागीर ढलवाना के जागीरदार का बेटा निर्मल पांडे था। काफ़ी बड़ी जागीर का इकलौता वारिस होने की वजह से इसका लालन पालन बड़े ही नाज नखरों से हुआ था। इसे सैर सपाटे और शिकार का भी शौक था। यूँ तो इसकी ज़िंदगी में हर खुशी मौजूद थी, मगर शादी के बाद इसे एक दुख ने आ पकड़ा। ये औलाद ना होने का दुख था। इसकी पत्नी हसीन, खूबसूरत और पैसे वाली औरत थी और अपनी खूबसूरती की आप ही मिसाल थी, मगर कुदरत को इसकी गोद भरना मंजूर ना था। जागीरदार के अपने हकीमों और डॉक्टरों ने हर तरह का इलाज आजमा लिया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिर पति पत्नी तांत्रिकों और दुआ ताबीज़ करने वालों की शरण में पहुंच गए। 2 महीने की तलाश के बाद इनका पाला एक ऐसे तांत्रिक से पड़ा जिसका दावा था कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। उसने मियाँ बीवी को एक ऐसा रास्ता बताया जिसे करने से उसके कहने के हिसाब से इन्हें ज़िंदगी में एक औलाद मिल सकती है, लेकिन पति पत्नी को यह अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि शर्त यह थी कि 1-10 महीने के बच्चे के खून से सर को धोया जाए और यह शर्त पत्नी के लिए थी। निर्मल पांडे ऐसा करने को बिल्कुल तैयार ना था, लेकिन इसकी पत्नी चुपके चुपके 10 महीने के बच्चे की खोज में लग गई। आखिर इसके एक नौकर ने इसे बताया कि फलदार के एक गाँव में एक गरीब कुम्हार का बच्चा कुछ दिन बाद 10 महीने का होने वाला है। जागीरदारनी के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। अपनी गोद भरने के लिए वो किसी की गोद उजाड़ने से भी नहीं चुकी और गरीब कुम्हार का बच्चा उठा लिया, क्योंकि उसे शक था कि इसका पति इसकी राह की रुकावट बन जाएगा। इसलिए इसने उस रात अपने पति को नशा मिला हुआ दूध पिलाकर बेहोश कर दिया और बच्चा लेकर वहाँ से निकल गई। इसकी मंजिल वही सुनसान खंडर था जहाँ वो दिल चीर देने वाला काम करने के लिए आई थी, लेकिन इससे पहले कि बच्चे को नुकसान पहुँचाती खुद ही आदमखोर का शिकार हो गई। निर्मल के साथ बाद में जो हालात गुजरे वो उसी की ज़बानी सुनिए। जैसे ही हमें होश आया, मैंने अपने नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। नौकरों ने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई है, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि वो मेरे बगैर कभी कहीं नहीं गई थी। आखिर कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद जब इसकी कोई खबर ना मिली तो मैंने इसके रिश्तेदारों के यहाँ जाने की ठानी। अभी मैं जंगलों से गुजर ही रहा था कि एक ज़ख्मी शेरनी से मेरी मुठभेड़ हो गई। इसके बाद के हालात आपको पता हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारी आप बीती सुनने के बाद मैं तुम्हें आगे जाने से नहीं रोकूंगा, मैंने निर्मल पांडे से कहा, मगर मुझे अफसोस है कि तुम्हारे आगे जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने गंभीर आवाज़ में कहा। तो निर्मल पांडे ने हमें चौंक कर देखा। मैंने कुछ कहने के बजाय जेब से कपड़े में लिपटा हुआ खून से सना ताबीज़ निकाला और इसके सामने रख दिया। वो फटी फटी आँखों से ताबीज़ को देखता रह गया, क्योंकि इस पर निर्मल की पत्नी का नाम खुदा था। ये कहाँ से, इसके मुंह से बस इतना ही निकल सका, तुम्हारी बीवी ये गरीब बच्चे की बलि देना चाहती थी, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मगर कुदरत ने आदमखोर के मुंह का उसे निवाला बना डाला। ये कहकर मैंने इसे दुख और दर्द की तस्वीर बनाकर छोड़ दिया और राजू के साथ कमरे से निकल आया। राजू, मैंने पाइप सुलगाते हुए कहा, शुक्र है कि आदमखोर बागिन के साथ साथ एक डायन भी कुदरत के ना दिखने वाले हाथों का शिकार बनकर अपने अंजाम को
पहुंच गई। तो दोस्तों ये स्टोरी ख़त्म हुई, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों फिर वही बात है कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें और हिम्मत मिले और हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ किसी और स्टोरी के साथ, और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।